गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भलराम मैडम। आई टीच मैथ्स इन सिक्स स्टैंडर्ड सेमी डिवीजन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंटेज एंड अ परसेंटेज इन द परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ये जो पार्ट है इसका स्टडी किया था। और किताब में जो भी मतलब उसमें जो भी एग्जाम्पल उसके सॉल्व किए गए हैं उसका भी स्टडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। अभी हम लोग इस वीडियो में एक परसेंटेज पर डिपेंड जो भी एग्जाम्पल है वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ये हम लोग बुक्स में सॉल्व किए गए एग्जाम्पल जो है उसको एक्सप्लेन करके हम लोग देखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो नेक्स्ट वाला वो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल है, लास्ट ईयर गिरी प्रेमी ग्रुप प्लांटेड 75 ट्रीज। ऑफ दिस 48 ट्रीज फ्लोरिश। द कर्मवीर ग्रुप प्लांटेड 50 ट्रीज, ऑफ विच 35 फ्लोरिश। विच ग्रुप वॉज मोर सक्सेसफुल इन कन्वर्सिंग द ट्रीज दे हैड प्लांटेड। देखो यहाँ पर टू ग्रुप्स है, गिरी प्रेमी एंड कर्मवीर, दोनों ने भी देखो यहाँ पर कर्मवीर गिरी प्रेमी ग्रुप में 75 ट्रीज प्लांटेड किए हैं, उसमें से 48 ट्रीज जो है वो फ्लोरिश हो गए हैं, यानी वो अच्छे तरह से फले फूले है। और कर्मवीर ग्रुप जो है उन्होंने 50 ट्रीज लगाए हैं और उसमें 35 जो है वो फ्लरिश हो गए। इसका मतलब इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है, तो इसमें कंपैरिजन करते समय हमें इसका परसेंटेज में कंपैरिजन करना है। तो अभी किस तरह से करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ ट्रीज ईच ग्रुप स्टार्टेड विद इज डिफरेंट, हेंस वी हैव टू कंपेयर द सर्वाइविंग ट्रीज इन ईच ग्रुप टू द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय देम। फॉर दिस कंपेरिजन इट वुड बी यूजफुल टू फाइंड आउट फॉर ईच ग्रुप द परसेंटेज ऑफ देयर ट्रीज दैट सर्वाइव्ड। टू डू दैट लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्वाइविंग ट्रीज टू द टोटल ट्रीज प्लांटेड। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रीज जो है इसमें से कितने प्लांट्स जो है वो प्लांट किए हैं मतलब सर्वाइविंग किए हैं, तो उसका हम लोग यहाँ पर रेशियो फाइंड करने वाले हैं। देखो यहाँ पर है, सपोज द सर्वाइविंग ट्रीज ऑफ द गिरी प्रेमी ग्रुप आर 8% एंड सपोज द सर्वाइविंग ट्रीज ऑफ द कर्मवीर ग्रुप आर बी परसेंट। तो देखो द गिरी प्रेमी रेशियो ऑफ द सर्वाइविंग ट्रीज टू प्लांटेड ट्रीज इज ए अपॉन 100, क्योंकि 100 में से ए प्लांट्स, एंड ऑल्सो 48 अपॉन 75, क्योंकि 75 टोटल ट्रीज है उसमें से 48 फ्लोरिश हो गए हैं। देयर फोर ए अपॉन 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 75। तो ये उसका रेशियो हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सर्वाइविंग ट्रीज टू प्लांटेड ट्रीज फॉर द कर्मवीर ग्रुप। जैसे हम लोगों ने गिरी ग्रुप का रेशियो फाइंड किया, वैसे यहाँ पर हम लोग कर्मवीर ग्रुप का भी इक्वेशन तैयार करेंगे। लेट अस राइट द सेम रेशियो इन टू ऑब्टेन इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिरी प्रेमी ग्रुप जो है उसका देखेंगे। देखो ए अपॉन 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 75, ये हो गया उसका इक्वेशन तैयार। अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में डिवाइडेशन है तो उसके अपोजिट प्रोसेस रहेगी मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मल्टीप्लाइंग 100 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो देखो ए अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100। तो देखो यहाँ पर 100 वन जा 100, 100 वन जा 100, तो यहाँ पर 75 और 25 4 जा 100। तो देखो 48 मल्टीप्लाई 3, तो अभी यहाँ पर फिर से 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 और 3 6 जा 18। तो 16 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो 64। तो ए इज इक्वल टू 64%। अभी यहाँ पर कर्मवीर ग्रुप का देखो, बी ए अपॉन 100 इज इक्वल टू 35 अपॉन 15। फिर से यहाँ पर भी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में डिवाइड है तो उसके अपोजिट रहेगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग 100 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो बी अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 35 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 100। तो फिर यहाँ पर भी देखो 100 वन जा 100, 100 वन जा 100, 50 वन जा 50, 50 टू जा 70। तो 35 मल्टीप्लाई 2 किया तो 35 टू जा 70, तो बी इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पर देखो द देयर फोर द कर्मवीर ग्रुप वॉज
more successful in conversing the trees they had planted. क्योंकि कर्मवीर ग्रुप जो है उन्होंने बिगे मतलब मोर प्लांट्स जो है वो फ्लोरिश किए हैं. उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला जो एक एग्जांपल है, फॉर सम्युलेटिव इवैल्यूएशन इन अ सर्टेन स्क्यूल 720 ऑफ द 1200 चिल्ड्रेंस वेयर अवार्डेड अ ग्रेड इन मैथ्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ए ग्रेड. देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स है 1200, उसमें से 720 स्टूडेंट जो है उनको ए ग्रेड मिली है, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिली है. तो देखो यहाँ पर ये भी किस तरह से सॉल्व करना है. सपोज द स्टूडेंट्स गेटिंग ए ग्रेड आर ए परसेंट. तो देखो यहाँ पर लेट अस राइट इन टू फॉर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ए ग्रेड टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन इक्वेशन एंड सॉल्व इट. तो देखो यहाँ पर ए अपॉन 100 इज इक्वल टू 720 अपॉन 1200. तो मतलब 100 में से अगर ए परसेंट ए स्टूडेंट्स को ग्रेड मिली है तो 1200 में से 720 स्टूडेंट्स को मिली है. तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू फाइंड करने है, 100 की आवश्यकता नहीं, इसलिए दोनों के बीच में डिवाइड है तो उसके अपोजिट मल्टीप्लाई. तो देखो ए अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 720 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई 100. फिर से यहाँ पर भी 100 वन ज़ा 100, 100 वन ज़ा 100, ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल. तो देखो यहाँ पर 12 वन ज़ा 12 और 12 सिक्स ज़ा 72 और ये जीरो वैसा ही. तो ए इज इक्वल टू 60, यानी 60% स्टूडेंट जो है उनको कितनी ए ग्रेड मिली है. तो देखो इस तरह से मैंने आपको टू एग्जांपल जो है वो आपको जो बुक्स में सॉल्व करके दिए है उसको ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इस पर डिपेंड हम लोग नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे. थैंक यू.